मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बता दें कि तमाम जो जनता को बधाई दी, साथ में उन्होंने जो होली मिलन समारोह के अवसर पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी जो है मनाने का त्यौहार, होली खुशी मनाने का त्यौहार, इसलिए गाड़ी चलाते समय किसी तरीके से दारू ना पिए। सबसे बड़ी चीज है हम नेतागिरी करने चले हैं और हम हमारे बच्चों के लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम राजनीति क्या करेंगे, दलाली करेंगे। हाँ, ये होगा। दूसरा, अगर आप चुनाव जीतते हैं और या हारते हैं, दोनों स्थितियों में आपके बाल बच्चों का क्या होगा? अगर चुनाव आप हार जाएंगे, या वर्तमान समय में आपकी आय का साधन क्या है, आप कितनी आय करते हो, आप पर कोई माफिया का लेबल तो नहीं लगा है, आप किसी कानून के तहत दंडित तो नहीं है, अभियुक्त तो नहीं है, इन सब बातों का जो निराकरण देगा उसको हम चुनाव देंगे, उसको हम टिकट देंगे। हम भी लड़ाना चाहते हैं लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करके नहीं। मानवीय भारत पार्टी क्या 2024 में किसी के साथ चुनाव साथ में किसी पार्टी के साथ साथ में रहेगी, चुनाव लड़ेगी या अपनी अकेली पार्टी? आप ही खोज के बता दीजिए, कोई दूध का धुला हो तो हम उसके साथ लड़ लेंगे। आप ही खोज के बता दीजिए, आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, सभी नेताओं से मिलते हैं, कोई पार्टी अगर आपको लगती है वो दूध का धुली है, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाएगी, हम उसके साथ गठबंधन कर लेंगे। हमको तो फिलहाल नहीं मिला, इसीलिए पार्टी बनानी पड़ी। हम इंतजार करेंगे कि ऐसे लोग आवें, और नहीं आएंगे तो ऐसे लोगों को हम लोगों को बनाना पड़ेगा, एक राजनीतिज्ञों की एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। सर, होली आने वाली है 2-3 दिन बाद, और मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? होली में सभी को, समस्त देशवासियों को, विश्व के समस्त मानव समुदाय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यह शुभकामनाओं के साथ यह उम्मीद करते हैं कि सबके जीवन में रंगीनियां आ रहे, उत्साह रहे, उमंग रहे, इस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकृतियों के बावजूद भी अंतःमन में सबके उल्लास उमंग बना रहे, होली का त्यौहार यही बताता है। और होली के त्यौहार पर आप सभी को विशेष रूप से और समस्त मानव समुदाय को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।